पानीपत में कोरोना का कहर, सिविल अस्पताल में 6 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव, पीएमओ से लेकर डिप्टी एमएस तक पहुंचे पॉजिटिव। डॉक्टर के पॉजिटिव आने से अस्पताल में मचा हड़कंप। एसएमओ ने जानकारी देते हुए बताया कि बाकी डॉक्टरों के भी लिए जा रहे हैं सैंपल, सभी डॉक्टर घर पर हुए आइसोलेट। पानीपत सरकारी अस्पताल के कुल 16 डॉक्टर हो चुके हैं कोरोना पॉजिटिव। आज जिला में 169 नए कोरोना केस पॉजिटिव आए हैं, जबकि 15 मरीज ठीक होकर अपने घर को लौटे हैं। कोरोना लगातार अपने पैर पसारता जा रहा है, वहीं जहां महामारी को बढ़ाता देख स्कूल की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। बढ़ता देख स्कूल की छुट्टियों को बढ़ाया गया और सरकार द्वारा नई गाइडलाइन भी जारी की। कोरोना के दौरान लोगों की हिफाजत करने वाले डॉक्टर भी इसकी चपेट में आ रहे हैं, तो आम लोग का इस पर क्या असर पड़ेगा, इसका कुछ भी कहना संभव नहीं है। पानीपत सिविल अस्पताल के पीएमओ डिप्टी एमएस सहित अस्पताल के 16 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। इसमें आम लोगों को कैसे इलाज मिलेगा, यह स्वास्थ्य विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। 6 डॉक्टर जो ना वो ओमिक्रॉन कोविड के लिए पॉजिटिव मिले हैं, उनमें से हमारे पीएमओ सर भी पॉजिटिव है और डॉक्टर केतन पॉजिटिव है, डॉक्टर प्रदीप ऑर्थो वाले डॉक्टर प्रदीप पॉजिटिव हैं, आई में डॉक्टर शालिनी मेहता जो है वो पॉजिटिव है, और डिप्टी एमएस भी अमित पोरिया जी भी पॉजिटिव है। सभी लोग कोविड का प्रोटोकॉल सभी को ये वो तो जो जनरलाइज स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन हैं कि वो सारे उस चीज़ को फॉलो करें, कोविड प्रोटोकॉल को अच्छे से फॉलो करें, और बाकी हमने इंतज़ाम यही है कि जहाँ जिस स्पेशलिटी के दो दो तीन तीन डॉक्टर हैं उनमें से हम नेक्स्ट डॉक्टर को उसी चीज़ अगला चार्ज दिए जा रहे हैं। अभी जो जो लोग इनके साथ कंटेक्ट वाले हैं सभी लोग दे रहे हैं, इवन मैंने खुद भी सैंपल दिया था, मेरा नेगेटिव आया। तो अब जिसको कोई इस तरीके की कोई लग रहा है, कोई सिम्टम लग रहा है या कोई प्रॉब्लम लग रही है, वो लोग दे रहे हैं,